ऐसे थे कि जो बिल्कुल याद है, आप सारे हजरात जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद कितना बड़ा मदरसा हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, उस वक्त ये मुहतमिन है। और फिर क्या हुआ कि एक जगह मनानी थी नौदरा, तो अब भी मदरसा दारुल उलूम के अंदर वो अब भी मौजूद है नौदरा, जिसको मैं भी देख कर आया हूँ। किसी बड़ी आला जान इमारत जिसके अंदर अभी जो कुरान पढ़ाया जाता है, तो फरमाया हजरत शाह रफीउद्दीन ने कि रात के अंदर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म फरमाया कि तुम ये बनाने का इरादा करते हो, आओ मैं जरा तुम्हें समझा दूँ। जब वो समझाने के लिए मैं हुजूर के साथ चला, हुजूर ने अपने आंखें मुबारक से लकीरें खींची कि यहाँ इस दीवार को ऐसे खड़ा करना है, इसको ऐसे बनाना। रात के वक्त हुजूर समझा रहे थे लकीरें खींच खींच कर। जब सुबह हुई हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना नौकरी और दूसरे हजरात के सामने बात रखकर जब वहाँ पहुँचे हैं जहाँ मेरे नबी ने लकीरें खींची थी, उसी तरीके से लकीरें खींची। मामला भागता है और मौजा नबी का ये है कि जहाँ की यानी वो दीवार में लकीरें भी बराबर खींची जा रही है, यानी इतना जोर है नबी का उम्मत के साथ। और इस हजार का इंतजार कौन कर सकता है। अल्लाह आप पर मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। सीधा पर कायम रखें।